गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस टीचर मिस सुनैना एंड टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। ओके बच्चे, चेंजेस अराउंड अस मीन्स आप इससे क्या समझते हो? जैसे आप अपने घर पे चेंजेस देखते हो ना, जैसे आपने क्या किया होता है, जैसे आप कभी आपके फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनराइप होते हैं, थोड़े टाइम बाद आपके फ्रूट्स क्या होते हैं, राइप हो जाते हैं। आपने न्यूज़पेपर लिया, उसमें आपने क्या किया, थोड़े टाइम बाद अगर आप उसको पानी में डिप कर दें या तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आप अगर न्यूज़पेपर के ऊपर क्या कर देते हैं, उसे बर्न कर देते हैं तो वो जल जाता है ना, ठीक है, आपके हेयर्स बढ़ जाते हैं, आपका वेट बढ़ जाता है। तो आपके आसपास क्या चेंजेस होते हैं हम ये सब पढ़ेंगे, जैसे सर्दी होती है, गर्मी होती है, हम ये सब चीज़ें देखते हैं। तो यही क्या है, हमारे चेंजेस हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रहे हैं और हमें इन्हीं के बारे में आज जो है वो स्टडी करना है। तो देखिए क्या बोला गया, भाई आपके आसपास क्या है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लॉट ऑफ चेंजेस हो रहे होते हैं, सीड्स का ग्रो करना, फ्रूट्स का राइप हो जाना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सीजन्स का चेंज हो जाना, ये सब क्या है, आपके हेयर्स का लॉन्ग होना, आपके वेट का गेन करना या वेट का कम हो जाना, आपकी स्किन का ड्राई हो जाना, से सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है ना। सम ऑफ चेंजेस आर टेम्परेरी, कुछ तो टेम्परेरी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। टेम्परेरी मीन्स बच्चे थोड़े टाइम के लिए, जैसे आप सर्दियों में स्किन ड्राई होगी, आप उसे लोशन लगा सकते हैं तो स्किन ठीक हो जाती है। लेकिन परमानेंट चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपका फल राइप हो गया, आपके फ्रूट्स बच्चे जब एक बार पक जाते हैं तो क्या आप उनको दोबारा कच्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो डिड यू नो आइस होटल इज़ एन अनयूजुअल होटल मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। जो आपके आइस होटल्स होते हैं बच्चे, वो आइस ब्लॉक्स के बने हुए होते हैं। कब, किसने बताया इनके बारे में? 1989 में स्वीडिश विलेज था आपका जुकास जर्वी, ठीक है, जुकास जर्वी इन द नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल। द होटल इज़ ऑपरेशनल ओनली इन विंटर। ये होटल सिर्फ बच्चे विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं इसको, क्यों? क्योंकि बर्फ़ से बना हुआ है। द होटल इटसेल्फ इन एग्जीबिशन ऑफ आइस स्कल्पचर्स मेड बाय फेमस आइस आर्टिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। द टॉन रिवर प्रोवाइड्स द आइस होटल विद इट्स आइस इन विंटर एंड इन द समर व्हेन द होटल मेल्ट्स द वाटर इज रिटर्न्ड बैक टू इट्स सोर्स। सर्दियों में तो आइस से आप बना सकते हो उस होटल को, लेकिन जब गर्मियाँ होंगी बच्चे तो वो आइस मेल्ट कर जाएगी ना, तो आइस मेल्ट हो जाएगी तो होटल्स नहीं हो सकते उस टाइम पे, ठीक है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट पेज है, इस पे आपके जो चेक पॉइंट्स हैं मैं आपको समझा देती हूँ, वैसे आपको ये करने हैं अपनी नोटबुक में। अच्छा, चेक पॉइंट्स हमेशा बुक में करने होते हैं बच्चे, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ आपको माइलस्टोन जो होती है वही नोटबुक में करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, लिस्ट एनी फाइव चेंजेस डैट यू ऑब्जर्व्ड इन योर सराउंडिंग। कोई भी पांच चेंजेस आप बता सकते हैं, इससे मौसम चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया आपके आसपास में, ठीक है, मानसून आ गई है। व्हेन वाटर इज़ फ्रोजन इट चेंजेस इनटू आइस, ऑन अप्लाई हीट टू आइस कैन यू गेट वाटर बैक। क्या आपको पानी मिल जाता है? आपको अगर आइस को गर्म कर दो बच्चे तो आपको क्या पानी वापस मिलेगा? ऑफ कोर्स आपको पानी वापस मिल जाता है। व्हेन अ रॉ मैंगो राइपन्स, जब आपका एक रॉ मैंगो कच्चा आम पक जाता है तो आप वहाँ पे कैसा चेंज ऑब्जर्व करेंगे, क्या हो जाएगा? भाई कच्चा होता है वो खट्टा होता है, लेकिन जब वो राइप हो जाता है बच्चे वो स्वीट हो जाता है। इट बिकम्स स्वीट, कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो, बिकम्स मोर जूसी एंड पल्पी। उसमें जूस भी आ जाता है जब वो राइप हो जाता है। कैन यू ग्रोथ ऑफ अ पपी टू अ डॉग बी रिवर्स्ड? रिवर्स्ड का मतलब होता है वापस कर देना। क्या आप पपी से डॉग बन जाता है, क्या आप डॉग को दोबारा पपी में बना सकते हो? नहीं बन सकता पपी, क्योंकि डॉग बड़ा हो चुका है, तो नो। व्हेन यू ऐड शुगर इनटू लेमन जूस व्हाट चेंजेस डिज यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ऑफ द जूस? जब आप लेमन जूस करेंगे बच्चे, शुगर ऐड कर देंगे तो लेमन जूस कैसा हो जाएगा शुगर मिलाने से? स्वीट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये आप कर सकते हो अपने आप से, तो मैंने आपको समझा भी दिया आपको कैसे करना है, और आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग इसको पॉज कर सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आंसर्स को आप नोट भी कर सकते हो। फिर देखिए नेक्स्ट जो आपका आता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल होते हैं बच्चे, जो पहले जैसा था उसको वैसा ही बनाया जा सके। जैसे मैं आपको बोलूं, आपने चॉकलेट ली, चॉकलेट को मेल्ट कर दिया तो वैसी हो गई। अब इस चॉकलेट को आप दोबारा फ्रिज में रख दो तो ये दोबारा ऐसी शेप में आ जाएगी ना। अगर ऐसी शेप की ट्रे लेके आपने इसको वापस फ्रिज में रख दिया तो वो शेप में आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस।
या फिर आप इससे बोल सकते हो कि मैम अगर मैं आइस आइस ले लूँ, ठीक है बच्चे, उसको बाहर निकाल दिया फ्रिज से तो वो वाटर बन जाएगा, अब वाटर को दोबारा फ्रिज में रख दोगे तो वो क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। तो ऐसे चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल चेंजेस, जिनको दोबारा से रिवर्स यानी कि पहले जैसा किया जा सकता है। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं बच्चे, जो पहले जैसे नहीं हो सकते। जैसे आपने क्या किया, मिल्क लिया, ठीक है, मिल्क लिया और मिल्क से क्या बना दी, कर्ड बना दी, दही बना दी। क्या आप कर्ड को वापस मिल्क में भेज सकते हो, नहीं भेज सकते। तो ये कैसा चेंज होगा, देखो मैंने एरो लगाया है, दैट मीन्स ये कैसा चेंज है, दिस इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। मैं आपको अब दोबारा दिखाती हूँ कि आप कैसे समझेंगे, मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ। चेंज इन द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, द वुड इज़ कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एंड एज अ रिजल्ट सीजन्स अकर्स, चिल्ड्रन ग्रो। चेंजेस की वजह से क्या होता है बच्चे, आपका जो है चेंजेस होते रहते हैं वर्ल्ड के अंदर कंटिन्यूअसली, जिसके कारण क्या होता है बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। सीजन्स आते हैं, मतलब सर्दी गर्मियाँ आती हैं। ए चेंज कैन ब्रिंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स इन द थिंग अराउंड अस, एक चेंज की वजह से हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं बच्चे, बदल जाती हैं। सम ऑफ द इफेक्ट्स ब्रॉट अबाउट अ परमानेंट इन नेचर, कुछ चेंजेस परमानेंट होते हैं जिनको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन कुछ क्या होते हैं, सम इफेक्ट्स आर ब्रॉट अबाउट इन पोजिशन शेप साइज एंड स्टेट ऑफ द थिंग्स। जैसे अब आप बड़े हो गए हो, एक साल आपका बर्थडे आ गया, तो आप बड़े हो गए ना, क्या आप अपने एक साल को वापस लेके आ सकते हो, तो ये क्या हो गया, रिवर्स नहीं हो सकती ये चीज़। दिस इफेक्ट आर टम्परेरी, देखिए कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो टम्परेरी होते हैं, टम्परेरी होने का मतलब क्या होता है, उनकी पोजीशन शेप और साइज़ में चेंज होना, हैंस कैन बी रिवर्स्ड, इनको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, मतलब पहले जैसा बना सकते हैं। तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी, रिवर्सिबल चेंजेस, द चेंजेस डैट कैन बी रिवर्स्ड ऑन रिमूविंग द कॉज आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस, जिनको पहले जैसा किया जा सके, मतलब उनको रिवर्स किया जा सके। जैसे कॉज को हटा दो, मतलब आप फ्रिज को पानी में रख दो तो गर्मी ख़त्म हो गई, उसका कारण ख़त्म हो गया, तो वो रिवर्स हो जाएगा। इन दीज चेंजेस द प्रोडक्ट फॉर्म्ड कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म, इसको दोबारा से ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है। इसे मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, बॉइलिंग ऑफ वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है बच्चे, क्लियर। अब देखिए इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, सम चेंजेस आर इरिवर्सिबल, द चेंजेस डैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन ऑन रिवर्सिंग द कॉज, मतलब जिनको पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। इन दीज चेंजेस द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म, उसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आप नहीं ला सकते हो। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास टूट गया बच्चे, आप ग्लास को जोड़ सकते हो क्या, उसके टुकड़े हो गए छोटे छोटे, नहीं हो सकता। एनिमल्स का बड़ा हो जाना, पेपर को कट, मैं इस पेपर को कैंची से कट कर दूँ, क्या ऐसा हो सकता है, आप टेप लगा के चिपकाओगे लेकिन पहले जैसा तो नहीं होगा ना। कुकिंग ऑफ दाल, दाल बन गई, क्या आप दाल बना के उसको दोबारा बोल सकते हो पानी अलग हो जा, दाल वापस आ जा, नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं बच्चे, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। अब हम करेंगे, देखिए सबको डायग्राम में भी दिखाया, दो कितना सुंदर है कि ये जो कब है बच्चे आपका लॉयन कब, ये लॉयन बन गया, अब ये लॉयन वापस बच्चा नहीं बन सकता ना, दैट मीन्स ये इरिवर्सिबल चेंज है। फिर आते हैं नॉन बियॉन्ड के ऊपर। अच्छा ये जो ट्राई दिस है बच्चा, ये आप कोशिश करेंगे इसको एक बार पढ़ें, इसको रीड आउट करें और समझने की कोशिश करें, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। चेंजेस लाइक द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट एंड चेंज द पीरियड इन स्कूल रिपीट देमसेल्व्स ऑफ अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक चेंजेस। अब देखो बच्चे, कुछ चेंजेस होते हैं पीरियोडिक चेंजेस, कुछ होते हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस, कुछ होते हैं फास्ट चेंज, कुछ होते हैं स्लो चेंज। आपको कैसे पता चलेगा इनके बारे में, तो आप कहेंगे देखिए आप रोज़ स्कूल जाएंगे, इससे अभी तो नहीं जा रहे हैं आप, लॉकडाउन है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आप रोज़ स्कूल जाते तो आपको क्या बोलना पड़ता, अभी हम रोज़ स्कूल जाते हैं, रोज़ हमारे सारे पीरियड्स लगते हैं, तो क्या हो गया, ये चीज़ बार बार रिपीट होती है ना, पूरे साल आप स्कूल जाएंगे, पूरे साल आपके पीरियड भी लगेंगे, तो इसे हम बोलते हैं पीरियडिक चेंजेस, जो चेंजेस दिन के बाद रात और रात के बाद दोबारा से होते हैं। जैसे आप दिन में स्कूल आएंगे, पीरियड लगाएंगे, रात होएगी, फिर स्कूल आएंगे, फिर पीरियड्स लगाएंगे, फिर घर जाएंगे, फिर रात होगी, तो ये पीरियडिक चेंजेस होते हैं।
Changes like eruption of a volcano is called non-periodic changes. They do not get repeated after a fixed interval of time. ये जो एक टाइम के बाद रिपीट नहीं होते ना उनको बोलते हैं नॉन पीरियडिक चेंजेस. जैसे एग्जांपल लीजिए, अब कोरोना हर साल तो नहीं आएगा ना, कोरोना तो एक बार आ गया हर साल तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, हमें पता है नहीं आएगा, वैक्सीन बन जाएगी कैसे आएगा, तो ये पीरियडिक चेंज नहीं होगा, ये नॉन पीरियडिक होगा. अब आपका वोल्केनो इरप्ट होता है बच्चे, जो लावा फटता है ना, ज्वालामुखी होते हैं आपके, लावा फटता है, अब लावा निकलता है, अब हर साल थोड़ी होता है कि लावा निकलेगा, चार पांच साल में एक बार, दस साल में एक बार होता है, तो नॉन पीरियडिक चेंजेस होंगे. अब आते हैं फास्ट चेंज एंड व्हाट इज स्लो चेंज. फास्ट चेंज बच्चे कौन से, जो बहुत जल्दी होते हैं, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की एकदम से हो गई फास्ट चेंज, आपने पेपर में आग लगा दी एकदम से जल गया पूरा पेपर, फास्ट चेंज, नमक को पानी में मिला दिया, फास्ट चेंज. द चेंजेस दैट अकर इन फ्यू सेकेंड्स, फास्ट चेंजेस. चेंजेस दैट अकर इन अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत टाइम बाद होते हैं, कुछ मिनटों बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ महीनों बाद होते हैं, वो स्लो चेंज होते हैं. जैसे दूध का उबलना, दूध उबलने में 10 मिनट लगते हैं ना, बॉयलिंग ऑफ एग्स, एग्स उबलने में भी टाइम लगता है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा खराब एक ही दिन में हो जाता है, लोहे को खराब होने में 5 साल लग जाते हैं बच्चे. तो ये कैसा होगा चेंजेस, स्लो चेंजेस होंगे. आपके पेट में जब क्या होता है, ह्यूमन्स एजनिंग, बुढ़ापा आना, आप जब बूढ़े हो जाते हो बच्चे, तो आप क्या एकदम से बूढ़े हो जाते हो, ऐसा होता है ना, 15-20 साल आप जवान रहेंगे, पहले आप बच्चे रहेंगे, फिर आप जवान होंगे, फिर आप बूढ़े होंगे. तो ये कैसे प्रोसेसेस होते हैं बच्चे, सारे ये स्लो प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बताएंगे बच्चा. और आपका टेस्ट होना है सरप्राइज टेस्ट, चैप्टर का सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, वो कभी भी हो सकता है, बी रेडी, हो सकता है मैं कल ही आपका टेस्ट ले लूँ. ठीक है, और ये ट्राई करेंगे आप खुद से कि भाई आपने रिवर्सिबल चेंज से रिलेटेड और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल मीन्स जिनको चेंज पहले जैसा किया जा सके, इरिवर्सिबल जिनको पहले जैसा ना किया जा सके. ओके बच्चे, हैव अ गुड डे.